ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक गड्डी पालक लिया, इसको धो लिया है, और ये स्वीट कॉर्न और ये टमाटो हरी मिर्च। चलिए जल्दी से बनाते हैं पालक। तो प्याज और लहसुन कट कर लेते हैं और ऑयल डाल के कढ़ाई में मैंने प्याज लहसुन डाल दिया और हरी मिर्च डाल दिया दो तीन, अच्छे से भून के इनको, ये देखिए भून गया। अब हम टमाटर डालेंगे, कटे हुए दो तीन टमाटर लिए हैं, इसको भी अच्छे से पका लेंगे। इसके बाद हम स्वीट कॉर्न डालेंगे और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो हल्दी नमक मिर्च डाल देंगे और इसमें डालेंगे रेडीमेड गरम मसाला, बस और कोई मसाले इसमें ऐड नहीं करेंगे। अब ढक्के से पकाएंगे। अब 5 मिनट पकने के बाद इसमें कटा हुआ पालक इसमें ऐड कर देंगे और इसको अभी ढक के हम पकाएंगे। देखिए कितना अच्छे से हमारा पालक स्वीट कॉर्न के साथ तैयार है। तो इस तरीके से ये रेसिपी ज़रूर बनाइए और बहुत ही टेस्टी है बनाइए खाने में। और देखिए रोटी या पराठे किसी चीज़ के साथ भी खाइए। पूरी रेसिपी देखने के चैनल पर मेरी रेसिपी ज़रूर देखिए।